आपकी नौकरी की तलाश में आपको सफल होने के लिए केवल आपको अपनी किस्मत पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि किस्मत भी एक बहादुर व्यक्ति का साथ देती है। इस प्रकार आपको भी किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, वहम में नहीं आना चाहिए कि भाई मेरे पास तो बेस्ट क्वालिफिकेशन है या मैं तो एक बेस्ट कंपनी में काम करता चला आ रहा हूं और अब मुझे नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। नहीं, ऐसे में कहते हैं कि आपको नौकरी, नई नौकरी पाने के लिए या नौकरी बदलने के लिए स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। स्वॉट का मतलब है कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बैलेंस शीट और मार्केट की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और मार्केट में थ्रेट्स क्या हैं, इन सब का एनालिसिस करना और उसके बाद एक सही रणनीति यानी कि स्ट्रेटेजी को बनाना ही एक समझदारी होगी। नौकरी की तलाश करते समय इन सभी चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका करियर कोच संदीप कटारिया। कई वर्षों से रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट और करियर कोच के रूप में काम करते हुए मुझे कुछ ऐसे सीक्रेट्स, मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और अगर आप उसको ठीक तरह से फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी एक अच्छी नौकरी ना केवल मिलेगी बल्कि जल्दी मिलेगी। तो आइए बात करते हैं कि वह कौन से 5 टिप्स हैं। सबसे पहले, आपके पास सही एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का होना जरूरी है। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर तभी आपके बायोडाटा के अंदर, आपके रिज्यूमे के अंदर रुचि लेगा जब वो पाएगा कि आपके पास नौकरी के लिए जरूरी बुनियादी योग्यताएं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास डबल क्वालिफिकेशंस हैं या बेस्ट इंस्टीट्यूट से हैं। मान लीजिए कि एडवर्टाइजर ने लिखा है कि हमें एक सिविल इंजीनियर चाहिए हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। अब आप हैं मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं समझता हूं आपको अपना समय वहां बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे टिप की तरफ। आपको एंश्योर करना होगा कि आपके पास एक्सपीरियंस भी उस जॉब प्रोफाइल के साथ मैच करता है। तो मेरी आपके साथ एक विनम्र प्रार्थना रहेगी कि जब भी आपके पास जॉब प्रोफाइल हो या आपके पास जब एड की कॉपी हो तो उसको 2-3 बार कम से कम ध्यान से पढ़ें और देखें कि क्वालिफिकेशंस भी क्या आपके पास है, और अगर हाँ आपके पास क्वालिफिकेशन है तो क्या आपके पास बुनियादी एक्सपीरियंस भी है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ क्या आपके पास स्किल्स भी हैं। अब इस तर्क के पीछे कारण क्या है, आइए इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आप ही एम्प्लॉयर हैं और आप ही अपनी कंपनी में एक इंजीनियर रखना चाह रहे हैं। अब आपकी कंपनी क्या करती है, आपकी कंपनी हाईवे प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स जैसे कि L&T हो सकता है या कोई और बड़ी कंपनी हो सकती है, और आप एक मिडिल लेवल का इंजीनियर चाहते हैं, सिविल इंजीनियर जिसके पास कम से कम 8 से 12 साल का हाईवे कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस हो, वो भी एक अच्छी बड़ी कंपनी के साथ। अब आप कहेंगे देखो मैं सिविल इंजीनियर तो हूं, हाँ मुझे सिविल प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस तो है परंतु मेरे पास हाईवे का एक्सपीरियंस नहीं है। तो रुकिए, बेहतर होगा आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि जब आपको नहीं लिया जाएगा तो हो सकता है थोड़ा सा आपका उत्साह कम हो जाए, मोटिवेशन में कमी आ जाए और आप बोले देखो एक और कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि ये बात नहीं है कि लोग अपने करियर में अपनी लाइन चेंज नहीं करते, अपनी इंडस्ट्री चेंज नहीं करते, परंतु इसके लिए कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस दोनों की जरूरत है, यानी कि धैर्य और निरंतरता का से काम लेने की आवश्यकता होगी। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है कि आप अपनी रीसेंट अकम्प्लिशमेंट्स यानी कि अभी हाल ही में जो आपने अचीवमेंट्स करी हैं, आपकी उपलब्धियां हैं, उनको थोड़ा आगे कर दें और जो थोड़ी पुरानी हो गई है या तो उनको हटा दें या उनको आप पीछे कर दें। आइए इसको मैं फिर एक उदाहरण की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं वह एम्प्लॉयर हूं जिसे हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए सिविल इंजीनियर्स को चुनना है। अब मेरे पास 5 एप्लीकेंट्स आते हैं जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, जिनके पास अच्छा
एक्सपीरियंस है और वो भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं। अब बताइए कि मैं किसको सेलेक्ट करूंगा। अब मैं जाऊंगा अगला फिल्टर यूज करने और वह फिल्टर होगा कि किसके पास अच्छी उपलब्धियां हैं। अब मान लीजिए कि मिस्टर देवेंदु करके कोई ऐसे इंजीनियर हैं जिनके पास वो सभी क्वालिफिकेशंस हैं और जिनके पास सारी उपलब्धियां यानी कि अचीवमेंट्स हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम किया है, उन्होंने लेटेस्ट मशीन पे काम किया है और उनका टोटल एक्सपीरियंस सड़कें बनाने का, जिसको हम कह सकते हैं सो मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स और सो मेनी लीनियर किलोमीटर्स, वो सबसे ज़्यादा है और उन्होंने देश में और विदेश में दोनों जगह काम किया है और शायद उनको रिकग्नाइज भी किया गया है उनकी अचीवमेंट्स के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। और यही अचीवमेंट्स बाकी चार में एक साथ नहीं है, हो सकता कि किसी पास एक है, किसी के पास दो है या किसी के पास कोई भी नहीं है। तो आप स्वयं अब मानेंगे कि मिस्टर दुबेंदु को ही प्रेफर किया जाएगा। और हाँ, इसी फ्लो में हम एक और बात कर लेते हैं कि हो सकता है कि मिस्टर दिवेंदु आज से 10 साल पहले एक बहुत ही ऑर्डिनरी कंपनी में बहुत ही ऑर्डिनरी पोजीशन पे काम करते थे, जबकि बाकी चार कैंडिडेट्स में से तीन तो बहुत बढ़िया काम करते थे। पर जो आज है या जो अभी हाल में था, रिक्रूटर की नज़र उस पे जाएगी, ना कि 10 साल पहले क्या कर रहे थे या कैसे शुरुआत करी थी उस पे जाएगी। हो सकता है उस पे जाए पर उसको इतनी वेटेज या उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4 की, कि आपको अपने आप को ऐसे दिखाना है कि मैं हायर लेवल ऑफ चैलेंजेस, मैं ज़्यादा मुश्किल चीज़ों को फेस कर सकता हूँ सक्सेसफुली। अब इसका क्या मतलब है? देखिए भाई, बात हो गई कि भाई आपकी क्वालिफिकेशंस, मतलब 5 कैंडिडेट्स में से क्वालिफिकेशन सेम हो सकती है, मान लीजिए एक्सपीरियंस सेम है, मान लीजिए सैलरी सेम है, मान लीजिए कंपनी या तो सेम है या लगभग एक जैसी है, परंतु एक व्यक्ति का नज़रिया ऐसा है कि देखिए मैं ऐसी ऐसी मुश्किलों को नहीं हैंडल कर सकता, जबकि एक दूसरा कैंडिडेट ये कहता है कि ऐसी ऐसी मुश्किलें मैंने हैंडल करी हैं और इससे भी बड़ी मुश्किलें करने के लिए मैं तैयार हूं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे एक व्यक्ति ऊंची पोजीशन पर चला जाता रहेगा, वैसे वैसे उसके चैलेंजेस, उसकी मुश्किलें या उसके पास जो पैसा, जिसको उसने द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट है, द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट है, उसको और बड़ा होता वो देखेगा। तो इसलिए उसे अपनी योग्यताओं को भी, अपनी कैपेबिलिटीज को भी, अपनी थिंकिंग को भी बड़ा करना होगा। अब आइए इसी चीज को मैं आपको एक दूसरे नजरिए से समझाने की कोशिश करता हूं। एक कंपनी है जो रिक्रूटमेंट कर रही है इस पोजीशन के लिए। अब वह कंपनी क्या चाहती है कि उसके पास एक ऐसा व्यक्ति आए जो उस पोजीशन में अच्छी तरह से फिट हो जाए। अब क्या कंपनी पहले अपने घर में नहीं देखेगी? बिल्कुल देखेगी। हो सकता है कि वह कंपनी पाए कि उसके पास अच्छे लोग तो हैं पर उस पोजीशन के योग्य नहीं है। अब क्या वह कंपनी बाहर से जो भी सबसे पहला व्यक्ति आएगा उसको हायर कर लेगी? नहीं, वह कंपनी कहेगी कि हम बड़ी सावधानी से जांच करेंगे, छानबीन करेंगे और जो व्यक्ति सबसे बेस्ट होगा हम उसको रखेंगे। तो इसका यह मतलब है कि अब कंपनी अपने बार को, जो उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, उसको और ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा बारीक कर देगी, जिसमें से निकल पाना केवल एक सबसे योग्य व्यक्ति के लिए ही पॉसिबल हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे और उसके लिए पूरी तैयारी करेंगे, वरना आप भी शायद दूसरों की तरह बड़ी जल्दी रिजेक्ट हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स आपके लिए उपयोगी साबित होंगी और इसके साथ ही एक नई नौकरी, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप इस सब्जेक्ट पे या इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, हमने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी डाले हुए हैं, जैसे इंटरव्यू ट्रेनिंग, सेल्फ डेवलपमेंट आदि विषयों पर, आप उन्हें देख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।